वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर सस्पेंस खत्म होने की कगार पर एनसीपी और कांग्रेस ने तैयार कर लिया है फॉर्मूला। सूत्रों के हवाले से खबर। 5 साल के लिए शिवसेना के मुख्यमंत्री होने पर बन सकती है बात। कांग्रेस और एनसीपी से होंगे 2 डिप्टी सीएम। मंत्रिमंडल के बंटवारे पर भी डील पक्की। शिवसेना और एनसीपी के हो सकते हैं 14-14 मंत्री। कांग्रेस के 12 मंत्री होंगे शामिल। सियासी ऐलानों को लेकर भी हो सकती है डील। शिवसेना ने मांगा है सावरकर के लिए भारत रत्न, तो कांग्रेस एनसीपी ने रखी मुसलमानों के आरक्षण की शर्त। पवार और सोनिया गांधी अगले 2 दिनों में कर सकते हैं बैठक। किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर जोर, हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई बात नहीं। शिवसेना के सामने कांग्रेस ने रखी कट्टर हिंदुत्व की छवि बदलने की शर्त। सूत्रों के मुताबिक सीएमपी में किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे पर जोर। मुंबई में देर रात तक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। बैठक से बाहर निकलते वक्त बोले आशीष शेलार, जय श्री राम बन गया काम। हो गया आपका जय श्री राम, जय श्री राम। हो गया आपका जय श्री राम। 17 या 18 नवंबर को सोनिया गांधी से मिलेंगे शरद पवार। शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर होगी आगे की बात। कांग्रेस एनसीपी शिवसेना के गठबंधन पर फडणवीस का हमला। कहा 3 पार्टियां नहीं चला सकती सरकार, 6 महीने से ज्यादा चला मुश्किल। आज भी राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का खतरनाक स्तर। मंदिर मार्ग इलाके में 700 के पास दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स, नोएडा में 600 के पार। राजधानी दिल्ली में ऑड इवन का आज आखिरी दिन, स्कीम को आगे बढ़ाए जाने के आसार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिए संकेत, का जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ाया जा सकता है फॉर्मूला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। अपनी असफलता भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ऑड इवन को बढ़ाने का ड्रामा कर रहे हैं। प्रदूषण के मुद्दे पर एक बार फिर सड़क पर उतरे बीजेपी नेता विजय गोयल ने आईटीओ पर हाथ में तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन। राजस्थान के बाड़मेर में बेमौसम बारिश की दस्तक, इलाके में बाढ़ जैसे हालात। मूसलाधार बारिश के साथ ओलों की मार, नवंबर के महीने में पानी पानी हुआ इलाका। जैसलमेर पर भी टूटा बेमौसम बारिश का कहर, भारी बारिश के साथ ओलों की मार, लाखों की फसल बर्बाद। पाली में भी जमकर गिरे ओले, किसानों की लाखों की फसल बर्बाद। हिमाचल में बर्फ से पूरी तरह ढका रोहतांग दर्रा, हाईवे पर बर्फ की चादर से फंसे वाहन। महोबा में सामूहिक विवाह समारोह के दौरान पंडाल की पार्किंग में लगी आग, होंडा कार समेत 2 बाइक जलकर खाक। यूपी के आजमगढ़ में मेले के दौरान हाथी ने मचाया तांडव, लोगों में मची भगदड़। नासिक में खोले बोरवेल में गिरा 6 साल का मासूम, एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। करगिल में हार्डवेयर की दुकान में भड़के आग के शोले, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पैराग्लाइडिंग का एक और वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। हिमाचल में पवन नाम के शख्स को हवा में लटकने से लगा डर। अमेरिका में रहने वाले अमृतसर के युवक अक्षप्रीत की हत्या, सीएम अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर जताया शोक। परिजनों ने विदेश मंत्रालय से जल्द शव भारत लाने की अपील की। अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाने गई टीम और रेड़ी पटरी वाले दुकानदारों के बीच धक्का मुक्की, पुलिस ने किया केस दर्ज। मुंबई में काम करने वाले यमुनानगर के जूनियर आर्टिस्ट पर रेप का आरोप, साथ ही महिला कलाकार ने कराया केस दर्ज। प्रेम प्रसंग के बाद शादी की चल रही थी बात। पंजाब के बरनाला में पुलिस ने 4 गैंगस्टर को किया गिरफ्तार, 4 पिस्टल, जिंदा कारतूस और कार जब्त। आजमगढ़ में D46 नाम के गैंग का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, हाल ही में गोली मारकर एक शख्स के साथ की थी लूटपाट। मध्य प्रदेश के मुरैना में सबलगढ़ से कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा का विवाद, बयान कहा पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप का विनाश शराब की वजह से हुआ। जय श्री राम को लेकर एक और टीएमसी नेता के बिगड़े बोल। वर्धमान में देबू टुडू का बयान, जय श्री राम कहने वाले लोगों का गला पकड़कर करेंगे बाहर। मध्य प्रदेश के सीहोर में ऐसी छात्रावास में छात्र की संदिग्ध मौत के मामले ने पकड़ा तूर, पूर्व सीएम शिवराज ने किया दौरा, अधिकारियों से की चर्चा। रचनौरा में फर्जी ड्यूटी दिखाकर होमगार्डों ने सैलरी देने के मामले में सूरजपुर थाने में केस दर्ज किया। अमृतसर से कुआलालंपुर जा रही एयर एशिया की फ्लाइट ने अमृतसर में की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग, 2 लोगों की फ्लाइट में बिगड़ी तबियत। जोधपुर एक्सप्रेस में हरियाणा पुलिस के जवानों की गुंडागर्दी, यात्रियों के साथ की मारपीट, हंगामे में 2 महीने के बच्चे की मौत, रेल मंत्री से ट्वीट कर मांगी मदद।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गुरुवार को 21,000 जोड़ों की कराई गई शादी। पीलीभीत में सीएम योगी ने खुद पहुंचकर दी जोड़ों को बधाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में सीएम की सुरक्षा में लगे पुलिस के वाहन हुए खराब। क्रेन की ली गई मदद। कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण करने पहुंचे थे सीएम। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत महुआ में भी 431 जोड़ों की कराई गई शादी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिया आशीर्वाद। बिहार के बक्सर में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दिखाई गांधीगिरी। गांधी संकल्प यात्रा के तहत नालियों की सफाई की। वाराणसी में तेज प्रताप यादव के काफिले की गाड़ी से हादसा। बीएमडब्ल्यू ने ऑटो को मारी टक्कर। पुलिस ने दोनों पक्षों में कराई सुलह। तेज प्रताप को दिल्ली लेने जा रही थी गाड़ी। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का पार्थिव शरीर भोजपुर के बसंतपुर में उनके गांव पहुंचा। आज होगा अंतिम संस्कार। गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के निधन से गणित के शिक्षकों में शोक की लहर। बीएचयू के शिक्षकों ने कहा अपूर्णीय क्षति। बीएचयू में आपसी विवाद को लेकर आपस में भिड़े दो छात्रावासों के गुट। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। मेरठ में पुलिस कस्टडी से कैदी फरार। अस्पताल में इलाज के दौरान दिया 3 पुलिस वालों को चकमा। फिरोजाबाद में करंट लगने से किसान की मौत। परिवार ने शव के साथ किया प्रदर्शन। नोएडा में गोकशी के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। फायरिंग में 2 बदमाश जख्मी। वेटनारा में पीछा कर रहे ग्रामीणों को वो तस्करों ने मारी गोली। 2 लोग जख्मी। हमीरपुर में सरकारी स्कूल को बनाया गया भूसे का भंडार। प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारी के पास नहीं है जवाब। आरसीएपीएफ के काम की समीक्षा करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। हेड ऑफिस का करेंगे दौरा। गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने आज गृह सचिव को बुलाया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ताजा हालात की देंगे जानकारी। अनुच्छेद 370 पर 10 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 22 नवंबर कोर्ट में जवाब दाखिल करेगा केंद्र। जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने दी जानकारी। जेएनयू परिसर में तोड़फोड़ और हंगामा करने वाले छात्रों पर एक्शन की तैयारी। हिंसा को लेकर केस दर्ज कराएगा यूनिवर्सिटी प्रशासन। नेहरू मेमोरियल लेक्चर में सोनिया का मोदी सरकार पर तीखा वार। कहा हमारी सोच पर राज करना चाहती है सरकार। 18 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। लोकसभा स्पीकर ने 16 नवंबर को बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। राफेल के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अपने स्टैंड पर कायम है कांग्रेस। जांच के लिए फिर से दोहराए जेपीसी की मांग। प्रश्नों का जवाब अदालत में नहीं एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ही दे सकती है निष्पक्ष और निर्भीक तौर से। आज रामलला के दर्शन करेंगे बीजेपी नेता विनय कटियार। 17 नवंबर को होने वाली सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेगी शिवसेना। एनडीए की बैठक से बनाएगी दूरी। हरियाणा सरकार का नोटिफिकेशन हुआ जारी। सीएम मनोहर लाल को 13 और डिप्टी सीएम चौटाला को मिले हैं 10 विभाग। निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला को हरियाणा कैबिनेट में मिली जगह। जश्न में समर्थकों ने आतिशबाजी का नियम कानून की उड़ाई धज्जियां। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट। फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर सरयू राय का टिकट चुका। विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची। तीसरी लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम। आज से कानपुर में शुरू होगा मेट्रो पिलर बनाने का काम। सीएम योगी आदित्यनाथ आईटी चौराहे पर करेंगे शिलान्यास। यूपी में आवारा पशुओं की संख्या पर लगाम लगाने की तैयारी में सरकार। प्रदेश में चलाया जाएगा सालों के नसबंदी अभियान। आंसू के साथ गठबंधन टूटने पर रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ का बयान। कहा बीजेपी किसी को धोखा नहीं देती। 65+ के लक्ष्य को आसानी से हासिल करेगी पार्टी। झारखंड में कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। लिस्ट में सोनिया राहुल मनमोहन सिंह के साथ 40 राष्ट्रीय और प्रदेश नेताओं का नाम। प्रियंका गांधी का नाम लिस्ट में नहीं। झारखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बाल मुंटू ने एजेएसयू का दामन थामा। गुरुवार को पीएम ने ब्रिक्स सम्मेलन को किया संबोधित। आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स देशों के सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। विकास और सुख शांति के लिए आतंकवाद सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है। आतंकवाद और दूसरे ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ ब्रिक्स सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम ने विश्व व्यापार बढ़ाने पर दिया जोर। 500 अरब डॉलर तक ले जाने की अपील। ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई पर हुई बात। रूसी राष्ट्रपति ने साझा की जानकारी। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेकर स्वदेश लौट रहे हैं पीएम। देर रात विमान में हुए सवार।
में लता मंगेशकर के लिए मांगी गई दुआ, आज जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। 14 दिनों तक चलने वाले 39वें ट्रेड फेयर का गुरुवार को दिल्ली में हुआ आगाज, आम जनता के लिए 19 तारीख से खुलेंगे दरवाजे। जयपुर में दूल्हा बने सीआईएसएफ के एक जवान युवक ने पेश की मिसाल, दहेज में मिले शगुन के 11 लाख रुपए वापस किए। नोएडा में एनआईटी और विज्ञान भारती दिल्ली की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन, छात्र छात्राओं ने दिया स्वच्छता और स्वदेशी विज्ञान के प्रति जागरूकता का संदेश। उत्तरकाशी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ शीतकालीन यात्रा का आगाज, राज्य मंत्री शिव प्रसाद ममगई ने दिखाई हरी झंडी। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को फिर लगा झटका, दूसरे तिमाही में 51,000 करोड़ का घाटा दर्ज। डायमंड एक्सपोर्ट में गिरावट से सूरत के कारोबारियों की बड़ी चिंता, सरकार से लगाई मदद की गुहार। होंडा की पहली BS6 बाइक सीबी शाइन SP125 लॉन्च, 72,900 रुपए है शुरुआती कीमत। प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार लाएगी हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन, 10 स्टेशन लगाने की तैयारी। मोटोरोला ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन रेजर, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड से होगा मुकाबला। इंडोर टेस्ट का दूसरा दिन आज मजबूत स्थिति में भारत, पहली पारी में 150 पर ढेर बांग्लादेश। पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने मचाया कदर, शमी ने सबसे ज्यादा 3 शिकार किए, उमेश, ईशांत और अश्विन ने चक्का 2 विकेट। पहली पारी में सस्ते में आउट हुए इरफान, मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा के बीच दूसरे विकेट के लिए नाबाद 72 रन की साझेदारी। अपने घर में अश्विन के हुए 250 टेस्ट विकेट, कुंबले और हरभजन के बाद ऐसा कारनामा करने वाले तीसरे भारतीय। हितों के टकराव के विवाद में राहुल द्रविड़ को राहत, बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर डीके जैन ने शिकायत को किया खारिज। के आरोपों पर संगीतकार अनु मलिक ने तोड़ी चुप्पी, ट्वीट में लिखा, दर्द में हूं, अंधकार जैसा महसूस कर रहा हूं। तिरुपति में दर्शन के बाद अमृतसर पहुंचे दीपिका रणवीर, श्री हरमिंदर साहिब में टेका मत्था। फिल्म धलाईवी के लिए तमिल सीख रही हैं कंगना, फिल्म में जयललिता का रोल निभा रही। भुलभुलैया 2 में नजर आएंगे तब्बू, कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी, शुरू हो चुकी है फिल्म की शूटिंग। सलमान खान ने शेयर किया फिल्म दबंग 3 का नया गाना, 20 दिसंबर को पर्दे पर उतरेगी फिल्म। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।